हाय फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता ठाकुर आज आप लोग को कैबेज रोल कैसे बनता है बताने जा रही हूँ। आइए देखिए, ये मैं पत्ता गोभी ली हूँ। अब मैं इसे, आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोल के लिए पत्ता गोभी ली। अब इसको मैं इधर से नहीं, जिधर मोटा डंडी रहता है, इसको मैं पहले कट करूंगी। ये कट करके मैं निकाल ली। अब आप लोग देख रहे होंगे, इस साइड से नहीं, ऊपर से नहीं, पीछे के साइड से मैं हल्का कट ऐसे करूंगी। कट ऐसे करके और इसका मैं पत्ता एक एक करके धीरे धीरे हल्के हाथ से निकालूंगी। देखिए देखिए, इस तरह से मैं पत्ते को निकाल लूंगी। सावधानी से निकालना होता है, इसलिए कि ये पत्ता एक दूसरे से सटा रहता है। देख रहे होंगे आप कैसे कैसे मैं लेयर इसका निकाल रही हूँ। क्योंकि ज्यादा इसमें जोर लगाऊंगी तो ये सारे पत्ता टूट के निकल जाएंगे, तो ये रोल बनाना मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे होंगे बहुत सावधानी से इसको निकालना होता है। एक कर करके मैं जितना रोल बनाना होता है पत्ता में निकाल लूंगी। मैं पत्ता निकाल ली हूँ। सारे पत्ते को मैं बॉयल करने जा रही हूँ। देखिए पानी मेरा, पानी में मैं सारे पत्ते को डाल दूंगी और डाल करके पानी में ऐसे डाल दे रही हूँ। धीरे धीरे मुलायम हो जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे में करके 2-3 मिनट बॉयल कर लेती हूँ। ये बॉयल हो चुका है पत्ता। अब मैं इसे एक एक करके निकाल लूंगी। सारे पत्ते को मैं एक एक करके निकाल के इसका पानी सूखने दूंगी। मसाला तैयार करने जा रही हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल डाल दी। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैं बारीक काट ली थी,
लाल मिर्च पाउडर, अब जितना तीखा खाते हो हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, और ये चाट मसाला, सारे को मैं डाल के भून लेते हैं। इसमें मैं मटर को बॉयल कर ली थी, हरे मटर को मैं इसमें डाल दूंगी। इसको भी मैं साथ में आलू बॉयल की हूँ, इसको मैं मैश करके उसमें डाल दूंगी। मैशा हुआ आलू मैं इसमें डाल दी। इसे मैं सारे मसाले को इसमें भूनूंगी और मटर को भी साथ में, बॉयल मटर है इसलिए मैं इसे दाब करके मटर इसमें दब जाएगा, सारा मिल जाएगा एक साथ। ये मेरा रोल के लिए, इसको भूनकर फिलिंग मैं तैयार कर लूंगी। आलू को अच्छी तरह से, आलू मटर सारी चटनी को मैं अच्छी तरह से भून ली हूँ। मैं इधर घोल के लिए बेसन, घोल के लिए बेसन निकाल ली हूँ। इसमें मैं नमक जितना आपका चीज है उस अनुसार से नमक, हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, ये आलू के बैटर में थोड़ा धनिया पत्ती मैं डाल देती हूँ।
बेसन को मैं मिला लेती हूँ सारे मसाला को लेकर के इसमें मिला ली। अब मैं हल्का हल्का पानी डालकर इसको मिलाऊंगी। आप देख रहे होंगे ये घोल ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर के देखिए मेरा ये घोल तैयार हो गया है। और इधर आलू का मसाला भी मेरा भून चुका है, ये भी तैयार हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ रोल में कैसे मैं भरती हूँ। अब ये पत्ता पानी सूख गया है अच्छी तरह से पत्ता में। अब मैं इसको देखिए ये थोड़ा मोटा यहाँ जो हार्ड होता है इसे मैं चाकू की सहायता से इसे मैं निकाल लूँगी। देख रहे होंगे आप लोग कि थोड़ा कड़ा नहीं लगे, इसे मैं हल्का निकाल ले रही हूँ मोटे वाले को। अब मैं इसमें भरने जाऊंगी। देखिए ये मैं ऐसे ले ली और ये मेरा इडली तैयार है। मैं इसमें बीच में ऐसे मैं रख दी और देखिए आप लोग मैं कैसे इसको रोल कर रही हूँ। इधर से मैं इसको ऐसे की उसके बाद इस साइड से ये सॉफ्ट है इसलिए मुड़ रहा है आसानी से। ऐसे में ऐसे में कर ली, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा रोल कैसे बन गया। देखिए मैं बारी बारी से इसी तरह सारे रोल को बना लूंगी। मैं सारा रोल बना चुकी हूँ, आप देख रहे होंगे कैसे मेरा रोल सब इसमें हो चुका है। अब मैं बेसन के घोल में मेरा तेल भी कढ़ाई में मेरा तेल कढ़ाई में गर्म हो गया है। अब मैं बेसन के साथ इसको कोट करके देखिए मैं ये डालूंगी सारे रोल को इसी तरह बेसन में कोट करके और ऊपर नीचे करके इसको मैं। मेरा कैबेज रोल बनके रेडी हो गया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय फ्रेंड्स।